अक्सर ही बॉलीवुड हो या फिर आम जिंदगी, जहां अगर दो प्यार करने वालों की लाइफ में तीसरा कोई आ जाता है तो उनके बीच दरारें आ जाती हैं। और ऐसा ही कुछ इन बॉलीवुड कलाकारों के साथ भी हुआ। दरअसल ये कहानी काफी फिल्मी है, लेकिन उतनी ही दिलचस्प भी है। कहानी है 70 के दशक के तीन सुपरस्टार्स की, जितेंद्र, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र। ये कहानी है इनके लव ट्रायंगल की, जो कि काफी दिलचस्प था। वहीं सपोर्टिंग भूमिका में जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर भी इसमें मौजूद थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे और कब धर्मेंद्र ने जितेंद्र को हेमा मालिनी से शादी करने से रोका और उन्होंने ऐसा क्यों किया। इन सभी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं आज की हमारी इसी वीडियो के जरिए। दरअसल इनकी फिल्मी प्रेम कहानी का सीन कुछ ऐसा है, जहां जितेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जी हां, हेमा मालिनी की मां ने जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी तय कर दी थी और दोनों इस शादी के लिए राजी भी हो गए थे। और दोनों की शादी बिल्कुल चुपचाप, बिना मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री के किसी इंसान की जानकारी से हो रही थी। लेकिन कहीं से इस शादी में पहुंचे नशे में धुत धर्मेंद्र, जो हेमा मालिनी के प्यार में पागल थे। वहीं शादी की दूसरी बिन बुलाई मेहमान थी जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा कपूर, जो जितेंद्र को दूल्हे की शेरवानी में देख बिल्कुल ही चौंक गई थी। आगे इस कहानी में क्या हुआ वो जानने से पहले ये बता दें कि इस मंडप तक जितेंद्र और हेमा मालिनी पहुंचे कैसे थे। हालांकि सच तो ये था कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से प्यार करती थी। जब उनकी मम्मी को पता चला तो वो काफी गुस्सा हुई, लेकिन उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने की ठान ली थी। जिंदगी में पहली बार हेमा ने अपनी माँ से अपना कोई रिश्ता छिपाया था और धर्मेंद्र से छिप कर मिलने के लिए वो कुछ भी करती थी। हेमा की माँ को लगा कि जल्द से जल्द हेमा मालिनी की शादी करवानी ही सही रहेगी। वो इनके लिए अच्छा लड़का ढूंढने लगी, जो उन्हें जितेंद्र में मिल गया। जितेंद्र और हेमा मालिनी उस वक्त दो फिल्में साथ कर चुके थे, दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग भी थी। जितेंद्र और हेमा मालिनी की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन हेमा मालिनी की माँ को जितेंद्र में अपनी बेटी का सच्चा जीवन साथी मिल चुका था। वहीं जितेंद्र भी इस दोस्ती को धीरे धीरे प्यार समझने की गलती कर बैठे थे। आगे जो हुआ वो काफी दिलचस्प था। जितेंद्र की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी, 14 साल की शोभा कपूर, जो उस समय ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही थी। शोभा जितेंद्र की बहुत बड़ी फैन थी और यही बात जितेंद्र को रास आ गई थी। लेकिन इस बीच उनके पास हेमा मालिनी की मां की तरफ से हेमा का रिश्ता आ गया और धर्मेंद्र को हेमा मालिनी और जितेंद्र की दोस्ती पसंद नहीं थी। उन्हें हमेशा जितेंद्र पर शक रहता था। एक बार तो उनका शक इतना बढ़ गया कि वो जितेंद्र और हेमा की फिल्म के सेट पर पहुंचे और शूट के बीच में हेमा को खींचते हुए ले गए और जितेंद्र देखते रह गए। इधर हेमा मालिनी की मां ने जितेंद्र से उनकी शादी की पूरी प्लानिंग कर ली थी। हेमा को जितेंद्र के माता पिता से भी मिलना पड़ा था और दोनों के घर वाले भी मान गए थे। इस शादी के लिए सब काफी उत्साहित थे। ये शादी एक समझदारी भरा सौदा थी और इसे जल्द ही होना था, क्योंकि कोई भी अपना मूड बदल सकता था। हेमा मालिनी और जितेंद्र अपने परिवारों सहित रातों रात मद्रास चले गए। वहाँ ये शादी सम्पन्न होनी थी, लेकिन किसी अखबार को ये खबर लग गई और उसने शाम के एडिशन में इसे छाप डाला। अखबार की खबर से धर्मेंद्र चौंक गए और धर्मेंद्र ने सारा मामला अपने हाथों में ले लिया और शोभा सिप्पी के घर पहुंचे, जो जितेंद्र की एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड थी। दोनों ही मामला संभालने मद्रास पहुंच पड़े। अब मद्रास में सीन किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं था। दुल्हा दुल्हन और दूल्हे की गर्लफ्रेंड और दुल्हन का बॉयफ्रेंड शादी रुकवाने पहुंचे थे। हेमा मालिनी के पापा ने धर्मेंद्र को धक्का मार कर बाहर निकाल दिया था। जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा ने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है और जितेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देते हुए उनके सामने पलट गए और कहा कि मैं हेमा से ही शादी करूंगा। वहीं धर्मेंद्र हेमा मालिनी के आगे गिड़गिड़ाते रहे कि ये शादी मत करो। जब हेमा कमरे से बाहर आई तो उन्होंने सबसे शादी टालने की रिक्वेस्ट की, लेकिन जितेंद्र का परिवार अड़ गया कि या तो शादी अभी होगी या कभी नहीं होगी। हेमा ने तुरंत मना कर दिया और जितेंद्र दन दनाते हुए वहां से चले गए। बाद में शोभा ने सारी बातें भुलाते हुए जितेंद्र से शादी कर ली और उनको अपना लिया, और हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने भी शादी कर ली। आज भी दोनों परिवार काफी अच्छे दोस्त हैं।
बाद में मौका पाकर धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को प्रपोज कर दिया। हालांकि शादी करने के लिए उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और हिंदू होने के नाते दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। इस वजह से उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और फिर हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्मी अंदाज वाली शादी के बारे में, जिसमें दुल्हा दुल्हन और उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये सीन काफी दिलचस्प था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।